इस वीडियो में बात करेंगे हार्मोनल ट्रांसपोर्ट की और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं। हार्मोनल ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि दो कैटेगरीज हैं हार्मोन्स की, एक लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स, दूसरे वाटर सोल्युबल हार्मोन्स। सो हमारा जो ब्लड है, जो प्लाज्मा है, वो वाटरी है, उसका बेस वाटर है क्योंकि प्लाज्मा में 91.5% क्या होता है, इट इज वाटर। सो और ब्लड इज पोलर। सो जो वाटर सोल्युबल हॉर्मोन्स होते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे, सपोज यहाँ पर है कोई एंडोक्रीन ग्लैंड और ये एंडोक्रीन ग्लैंड है, इससे रिलीज हो गया कोई हॉर्मोन और वो हार्मोन ब्लड में एंटर करेगा, और क्योंकि ये हार्मोन वाटर सोल्युबल है तो ये प्लाज्मा में डायरेक्टली डिजोल्व हो जाएगा और ये इसके साथ बहता चला जाएगा। ऑन दी अदर हैंड जो ये लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स होते हैं, लिपिड सोल्युबल हार्मोन डिफ्यूज हुआ इंटरस्टिशियल फ्लूड में आया, उसके बाद ये सर्कुलेशन में आएगा, लेकिन इसको फ्लो करने के लिए, क्योंकि ये वाटर सोल्युबल नहीं है, इसको फ्लो करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैरियर की आवश्यकता होती है। तो जो कैरियर्स होते हैं वो इसके साथ बाइंड करते हैं एक लिपिड सोल्युबल हार्मोन के साथ, और फिर उसको पार्शियली वाटर सोल्युबल या फिर प्लाज्मा में ब्लड में सोल्युबल बना देते हैं। सो इसका जो कैरियर है, ये सपोज इसका कैरियर है, इसका बाहर वाला सरफेस जो है वो होता है पोलर और अंदर की तरफ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो नॉन पोलर होते हैं, तो वो नॉन पोलर अमीनो एसिड्स इस हार्मोन से बाइंड कर लेते हैं और अब ये ब्लड में सोल्युबल हो गया। लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स जो कि रिलीज हुए अपनी ग्लैंड से, इनका 90-99% जो है वो बाउंड फॉर्म में रहता है, जबकि 1-10% फ्रैक्शन जो है वो फ्री फॉर्म में अवेलेबल होता है। ये जो फ्री फॉर्म है ये टारगेट सेल तक चली जाती है और ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इस तरह से हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और जो लोकल हॉर्मोन्स होते हैं वो तो वहीं पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में ही डिफ्यूज हो जाते हैं, और फिर या तो वो ऑटोक्रीन फैशन में एक्ट करेंगे उस सेम सेल पे, या फिर वो आसपास के दूसरे सेल्स पे एक्ट करेंगे थ्रू पैराक्रीन फैशन। सो ये था हार्मोनल ट्रांसपोर्ट। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यदि हम बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन्स कैसे एक्ट करते हैं अपने टारगेट पे, तो कैटेगरी वाइज इसको भी हम समझ लेंगे। दो कैटेगरीज, वाटर सोल्युबल और लिपिड सोल्युबल। तो लिपिड सोल्युबल की पहले बात करते हैं। लिपिड सोल्युबल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो टारगेट सेल तक, ये लिपिड सोल्युबल हॉर्मोन है, इसका फ्री फ्रैक्शन घूम रहा है ब्लड के अंदर, यहाँ पर इसका टारगेट सेल है, तो इस टारगेट सेल की, क्योंकि ये लिपिड सोल्युबल है, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और सेल के अंदर चले जाते हैं, और इनके साइटोसोलिक रिसेप्टर्स होते हैं, ये इसका रिसेप्टर है, उसे बाइंड करेगा और उसके बाद ये न्यूक्लियस में एंटर कर जाएगा और ये जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा और कुछ केसेस में इनके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। इधर दे हैव साइटोसोलिक रिसेप्टर्स और दे हैव न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर वो जीन का एक्सप्रेशन करवाता है। जीन एक्सप्रेशन यहाँ पर होता है तो इसलिए लिपिड सोल्युबल हार्मोन्स का रेस्पॉन्स स्लो होता है, बिकॉज एक जीन को एक्सप्रेस करने में समय लगता है। वहीं पर बात करें वाटर सोल्युबल हार्मोन की, तो वाटर सोल्युबल हार्मोन कैसे एक्ट करते हैं, ये क्रॉस नहीं कर सकते टारगेट सेल को। अब क्योंकि ये टारगेट सेल को क्रॉस नहीं कर सकते, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये सेल हो गया इनका टारगेट सेल, तो इनके रिसेप्टर्स होते हैं
जो कि प्रोट्रूड करते हैं सेल के सरफेस पे, और ये ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स होते हैं, दीज आर ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स। इनसे हार्मोन आके बाइंड करता है, एक वाटर सोल्युबल हार्मोन आके अपने रिसेप्टर से बाइंड करेगा एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से, और उसके बाद ये जो रिसेप्टर है ये साइटोसोलिक, इसकी जो टेल है वो एक प्रोटीन को, दैट इज यूजुअली अ जी प्रोटीन, इस जी प्रोटीन को एक्टिवेट कर देती है। और ये जो जी प्रोटीन है ये फिर एडिनिलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करता है, और एडिनिलेट साइक्लेज क्या करेगा, ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर देता है। अब ये साइक्लिक एएमपी ये क्या करेगा, ये प्रोटीन काइनेसिस को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेस ए एक एग्जांपल है, ये प्रोटीन काइनेस ए क्या करेगा, ये फॉस्फोरिलेशन करवाएगा, फॉस्फोरिलेशन ऑफ एंजाइम्स। और फॉस्फोरिलेशन जो है ये एक स्विच की तरह काम करता है, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरिलेशन होने पे एक्टिवेट हो जाते हैं, और कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरिलेशन होने पे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये ऑन ऑफ की तरह काम करता है, फॉस्फोरिलेशन करवा के ये वाटर सोल्युबल हार्मोन एक सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है। यहाँ पर साइक्लिक एएमपी क्या है, ये एक सेकेंड मैसेंजर है, क्योंकि फर्स्ट मैसेंजर हो गया इटसेल्फ ये हार्मोन, अब ये डायरेक्ट अपना मैसेज सेल के अंदर नहीं दे सकता, तो ये एक सेकेंड मैसेंजर का यूज करेगा, दैट इज साइक्लिक एएमपी इन दिस केस। सेकेंड मैसेंजर और भी कई मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम भी एक सेकेंड मैसेंजर है, इसके अलावा साइक्लिक जीएमपी ये भी एक सेकेंड मैसेंजर है, IP3 भी एक सेकेंड मैसेंजर है, और डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी सेकेंड मैसेंजर है। सो वाटर सोल्युबल हॉर्मोन्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और फिर सेकेंड मैसेंजर के थ्रू ये एक्ट करते हैं। एक हार्मोन है जो कि लिपिड सोल्युबल है लेकिन वो सेकेंड मैसेंजर के थ्रू एक्ट करता है, और वो हार्मोन है नाइट्रिक ऑक्साइड। लिपिड सोल्युबल है फिर भी इसके ये क्या करता है, ये डायरेक्ट सेल के अंदर घुस जाता है और साइक्लिक जीएमपी को ये एक्टिवेट करता है, साइक्लिक जीएमपी का लेवल बढ़ा देता है, और उस साइक्लिक जीएमपी के लेवल के बढ़ने की वजह से स्मूथ मसल्स में वैसोडाइलेशन हो जाती है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स करती हैं और वैसोडाइलेशन हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड ए लोकल हार्मोन। और कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर्स भी होते हैं और हार्मोन्स की तरह भी काम करते हैं, उन्हीं का एक एग्जांपल है नाइट्रिक ऑक्साइड, और एक और एग्जांपल है नोरएपिनेफ्रिन, ये एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है और एक हार्मोन भी है। एज ए न्यूरोट्रांसमीटर ये रिलीज होता है सिंपैथेटिक पोस्ट गैंग्लियोनेटेड न्यूरॉन्स से, नोरएपिनेफ्रिन एज ए हार्मोन रिलीज होता है, और एड्रेनल मेडुला से ये पोस्ट गैंग्लियोनेटिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन से ये एज ए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, और एड्रेनल मेडुला से ये हार्मोन की तरह रिलीज होता है नोरएपिनेफ्रिन। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड एक हार्मोन भी है और एक न्यूरोट्रांसमीटर भी है। ये एंडोथेलियल सेल से रिलीज होता है एज ए हार्मोन, और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह ये रिलीज होता है कुछ न्यूरॉन से। सो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स।